दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आता कि तारक मेहता के जो लोग हैं या जो उनकी प्रोडक्शन टीम में है, उनके जो प्रोड्यूसर हैं, उनके जो राइटर्स हैं, वो आखिर क्या सोचकर स्टोरी लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोचकर स्टोरी लिखते हैं कि जो आज उनके जो ऑडियंस है उनको हम फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपने लेटेस्ट एपिसोड का कहानी देखा होगा जिसमें हमारी मटकी वाली कहानी थी, तो वो कहानी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी कि जो मटकी टप्पू सेरा को तो मिल गई थी, तो सभी ने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे पोपटलाल है वो जब मटकी से विश मांगेंगे तो जो उनकी विश है वो पूरी हो जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा ही है कि हमें तारक मेहता में हमने देखा कि जो हमारे पोपटलाल है वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं शादी के लिए। तो जब ये बात सबने सुनी कि जो मटकी है इतनी चमत्कारी चीज़ है, तो जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उनको एक उम्मीद लगी कि इस बार जो हमारे पोपटलाल है उनकी शादी हो जाएगी। अगर तारक मेहता के शो के मेकर्स अगर ऐसा चाहते कि उनकी शादी हो जाए तो वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जो मटकी की जो विश है वो किसी और ने ली और जो हमारे पोपटलाल है वो फिर से ऐसे ही रह गए हैं। दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीजें जो हो रही है ये ऑडियंस के फीलिंग के साथ खेलने के जैसा हो रहा है, क्योंकि सभी ऑडियंस चाहती है कि जो हमारे पोपटलाल की शादी हो जाए, लेकिन जो हमारे शो के राइटर प्रोड्यूसर है वो ऐसा कभी भी कर नहीं रहे, वो सिर्फ इसी बात का पैसा बना रहे हैं, बार बार इसी स्टोरी को ले आते हैं और जो ऑडियंस है वो उसको देखना पड़ता है मजबूरी में। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताया, कि आपको लगता है कि जो हमारे पोपटलाल है उनकी शादी सही में हो जानी चाहिए, या फिर आप जो उनका बैचलर स्टेटस है आप उन्हें को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।